कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से बार बार भाग रही है जी। ये टीआरपी का जो मामला है ये महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने ही, महाराष्ट्र के डीजीपी ने उन्होंने ही उठाया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके बताया है कि इस तरह से यहाँ पर टीआरपी घोटाला हुआ है और जिसमें 3 मीडिया घरानों के जो है ना नामजद किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया था अर्नब गोस्वामी को और भारत को। तो ये बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि आप एक तरह से तो जो है ना टीआरपी घोटाला बता रहे हैं कि ये जो है ना चैनल, 2-3 चैनल जो है जो कर रहे हैं, और फिर जब उसके लिए सीबीआई जांच जब बैठा गठित कर दी जाती है तो आप सीबीआई जांच से भागते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार किस बात से डर रही है? इनको डर किस बात का है? ये किस बात को दबाना चाह रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं जिनको ये दबाना चाह रहे हैं? और जो बार बार सीबीआई से, सुशांत केस में इन्होंने सीबीआई जांच के लिए बार बार मना किया, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो उस टाइम इन्होंने सीबीआई को महाराष्ट्र में जाने दिया। अब जब टीआरपी घोटाला है उसमें यूपी सरकार ने उसके लिए अनुशासा कर दी है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जब वहां का सीएम इसके लिए रिकमेंड कर देता है, मांग कर लेता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को क्या दिक्कत है? जब आप खुद आगे होके कह रहे हो, आप कमिश्नर कह रहा है कि इस तरह से टीआरपी घोटाला हुआ है और अरुण गोस्वामी के चैनल ने किया है, तो आप इसको दूध का दूध पानी का पानी होन दीजिए ना। अगर अरुण गोस्वामी है तो उसका वो जवाब देगा। तो ये फिर महाराष्ट्र सरकार किस बात को डर रही है? जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या बार बार की गई है, चाहे वो सुशांत केस हो, दिशा सलियान का केस हो, पालघर के साधु हो, हर केस में इन्होंने सीबीआई के लिए नकारा ही किया है कि सीबीआई जांच नहीं बैठेगी। अब योगी आदित्यनाथ ने जब टीआरपी स्कैम में सीबीआई को लाया है तो इन्होंने उसके एक दिन बाद ही, तुरंत बाद ही सीबीआई को बैन कर दिया है महाराष्ट्र में, कि राज्य की जो सरकार है उसकी अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं बैठेगी। तो क्या डर सता रहा है अब इनको, क्यों नहीं करने दे रहा? महाराष्ट्र में सरकार जब से ये खिचड़ी सरकार बनी है तब से वहाँ सरकार नाम की, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहाँ पर राज्य चल रहा है माफियाओं का, गुंडों का और ड्रग के हिसाब से सरकार चल रही है। उन्हें सरकार बचाने में लगी है, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। क्या है कि कांग्रेस गठबंधन में है और कांग्रेस के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। आप देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान में पर डे जो है ना 2-3 जो है ना रेप केस हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इसकी सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र की सरकार है। तो महाराष्ट्र की सरकार वही कर रही है जो कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस इस देश में वो काम कर रही है जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी जो कार्य है, कांग्रेस उन कार्यों को बढ़ावा देती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जब पालघर में 3 साधुओं को दिन दहाड़े मारा गया और पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस का हाथ पकड़े साधु दया की भीख मांग रहे थे, अपनी प्राणों की दया भीख मांग रहे थे, मगर उस पुलिस ने महाराष्ट्र साधुओं का हाथ छिड़क के और जो है ना दंगाइयों के सामने फेंक दिया कि आप इन्हें मार दीजिए, और उस पे महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस सरकार मुंह बंद करके रही। इन्होंने कुछ जब जो है ना मीडिया घराने सामने आए और इन्होंने खुलासा किया तो इन्होंने खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों के खिलाफ जो है ना एफआईआर करी और कुछ दिनों बाद उनको बेल भी मिल गई। तो महाराष्ट्र सरकार अपने जो कुकर्म करे हैं उनको दबाना चाह रही है। सुशांत केस में जो महाराष्ट्र के मंत्री फंसे हुए हैं, कुकर्मी मंत्री हैं, ड्रग्सी हैं, उनको बचाने के लिए सीबीआई से डर रही है, इसलिए वो नहीं चाहती कि यहाँ सीबीआई जांच हो। जी, तो सरकार जो सीबीआई को बैन किया है महाराष्ट्र में, उससे ये साबित नहीं होता कि सुशांत का जो मर्डर हुआ है उसमें किसी ना किसी का तो हाथ जरूर रहा होगा जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पालघर के साधु को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते हैं, उससे ये साबित नहीं होता कि उनके साथ भी बुरा बदसलूकी हुई है महाराष्ट्र में जिसको ये बचाना चाहते हैं? तो क्या लगता है ऐसा कौन है जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सीबीआई की रोक की मांग कर रहे हैं? कि दिशा सैलियान का जब मर्डर हुआ था उस पार्टी में, तो दिशा सहलियान को लिया गया था आत्महत्या का, कि सुसाइड किया उसने। सत्यता ये नहीं है, उसका मर्डर हुआ था, उसको तो ऊपर से फेंका गया था, उस पहले उसके साथ रेप हुआ है दिशा सहलियान के साथ, उसके बाद उसको मर्डर मार के और नीचे फेंका गया है। उस केस की जानकारी जो है ना सुशांत राजपूत को लग चुकी थी किसी सूचना माध्यम से,
तो ये महाराष्ट्र सरकार डर गई थी, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र सरकार का मंत्री इन्वॉल्व है दिशा सालियान में, इसलिए इन्होंने जो भूमिका बनाई, रूपरेखा बनाई कि किसी तरह से सुशांत राजपूत को रास्ते से हटाया जाए। और उसके बाद एक मर्डर के बाद इन्होंने दूसरा मर्डर करा दिया, तो ये जो है ना अपने उस मंत्री को बचाने के लगे हुए हैं, इसलिए ये सीबीआई से घबरा रहे हैं, सीबीआई जांच इनको जो है ना भारी पड़ रही है। रही बात इनका जो कमिश्नर है, वो कमिश्नर इनके इशारे पे चल रहा है, उसने जो कमिश्नर की जो एक इज्जत होती है, कमिश्नर की एक पोस्ट होती है जिसका सम्मान होता है, अब तो सत्यता ये है कि उस कमिश्नर को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, उससे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सुना ही होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो महाराष्ट्र सरकार की दाढ़ी में ऐसा कौन सा तिनका है, कहीं वो बेबी पेंगुइन तो नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से इन्हीं का नाम सामने आता जा रहा है, तो वो तिनका कहीं बेबी पेंगुइन कि इसमें बेबी पेंगुइन ही है। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है, क्योंकि दिशा सालियान के जो उसके साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर हुआ है, उसमें बेबी पेंगुइन पूर्ण रूप से शामिल है, उसको बचाने के लिए ये पुलिस को जो है ना यूज कर रहे हैं, पुलिस से बयानबाजी करवा रहे हैं और मीडिया को गिरफ्तार करवा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मीडिया के ऊपर वहां प्रतिबंध लगाया है, मीडिया के रिपोर्टरों को बंद किया है, इससे ये जाहिर हो चुका है कि महाराष्ट्र सरकार गलत है, गलत है और गलत है। स्टेट के सीएम से इतना डर क्यों? चाहते तो पहले भी बैन कर सकते थे ना सीबीआई को, जब इतने सारे केसेस महाराष्ट्र में चली रहे हैं, अभी तक सॉल्व तो हुए नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं क्या महाराष्ट्र के? माफिया गुंडे जितने हैं सब डरते हैं कि वो एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर कहीं से कहीं कोई धब्बा नहीं है, वो जो है ना सुशासन चाहता है, वो विकास चाहता है, तो ऐसे महापुरुष से दुनिया डरती है, तो इनकी महाराष्ट्र सरकार के गुंडों की औकात क्या है जो उसके सामने आके, तो योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से सीबीआई की मांग करी है, महाराष्ट्र सरकार उसी दिन से अपने आप को बचाने में लग गई है, मगर बच नहीं पाओगे। जो कहा है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन उसकी गर्दन कटेगी, तो आप कितना भी बचा लो, बेबी पेंगुइन बचने वाला नहीं है, वो शिकंजे में आएगा और जेल में भी जाएगा। तो कांग्रेस जो करा दे उसको आप थोड़ा मानिए, तो उसी के तहत जबकि अर्नन गोस्वामी के पत्रकार अर्नन गोस्वामी वही दिखा रहे थे जो महाराष्ट्र में हो रहा था, तो इनको डर लग रहा था कि ये पत्रकार हमारी पूरी जो है ना पोल पट्टी खोल के रख रहा है, तो इस सारे कांग्रेसी और महाराष्ट्र सरकार जो है ना बचाने में लग गई, और अर्नन गोस्वामी को किसी तरह से किसी भी केस में रख के इस चैनल को बंद कराया जाए और इनके पत्रकारों को जेल में पहुंचाया जाए, और ऐसा उन्होंने किया भी है। उनके जो है ना प्रदीप जो है ना भंडारी है, उनको उनके पास बेल आदेश था, बेल आदेश को इन्होंने अनदेखी करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, और उनको गिरफ्तार किया और थाने में रखा, तो वहां पर कानून व्यवस्था नाम चीज नहीं है, वहां संविधान नाम की चीज नहीं है। महाराष्ट्र आज जो है ना सीरिया और तालिबान बन चुका है। जब से सुशांत केस उजागर हुआ है जनता की नजर में, जनता खुलकर इंसाफ की मांग कर रही है। वैसे ही पालघर का मुद्दा भी आया था जिसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है जनता के द्वारा, कहीं यही एक कारण तो नहीं है कि सीबीआई को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया, जिससे कि पालघर के जो साधुओं के साथ लिंचिंग हुई थी उनको इंसाफ ही ना मिल पाए? सरकार के काले कारनामे इतने ज्यादा हो चुके हैं, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है, तो उनका पाप का घड़ा भर चुका है महाराष्ट्र सरकार का, तो अब वो फूट चुका है, तो उसको वो बचाने में लग रहा है कि अब हम कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे अपनी सरकार को बचाएं, कैसे अपने मंत्री को बचाएं, कैसे बेबी पेंगुइन को बचाएं, तो उसलिए वो लग रहा है, मगर बचोगे नहीं, क्योंकि जनता जागरूक है, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश जान रहा है कि सुशांत राजपूत का और दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, इस बात को पूरा देश जानता है, और इसी को अर्नन गोस्वामी ने उठाया है, उन्होंने जो सच्चाई हुई है महाराष्ट्र में वो ही रिपोर्टिंग की है, इसलिए जो है ना अर्नन गोस्वामी के चैनल को बंद कराने की इन्होंने धमकी दी है, मगर जनता ऐसा होना नहीं देगी। 125 करोड़ जनता पत्रकारों के साथ खड़ी है, अर्नन गोस्वामी के साथ खड़ी है, महाराष्ट्र सरकार को जो है ना जवाब ये जनता दे देगी। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो गई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ है पूरे आज दिन तक के जो है ना जब से इंडस्ट्री बनी है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी इंडस्ट्री एक साथ
कोर्ट में आके खड़ी हो जाए। तो आप पिक्चरों के माध्यम किसी का भी अपमान कर सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। क्या जनता को वो आज़ादी नहीं है? आपने यही तो कहा है कि हमारी आज़ादी है, तो ये आज़ादी जनता को भी तो है। जनता भी तो कह सकती है कि तुम ड्रग्स ही हो, और जनता ने तो झूठ कुछ कहा ही नहीं है। आप बॉलीवुड में आज जितना ड्रग्स व्याप्त हो चुका है, घर घर में है, ऐसा बॉलीवुड में है कौन जो ड्रग्स नहीं लेता है? ड्रग्स का बहुत बड़ा काला कारनामा बॉलीवुड में चल रहा है। हीरो ने कोई एकाध छोड़ के, हीरो एकाध छोड़ के, डायरेक्टर एकाध कोई ऐसे है जो नहीं है, बाकी वहाँ 99% ड्रग्स ही है। मैं तो कहता हूँ ऐसी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को बैन कर देना चाहिए, और देश को भी मैं चेतावनी देता हूँ, और जो है ना उनसे गुजारिश करूँगा कि देश को आप पिक्चरें देखना बंद कर देना चाहिए, कि इन्होंने हमारा पैसा लेके और हमारे ऊपर ही जो है ना इस तरह की जो है ना हमारे गरीब घर का सुशांत राजपूत उसको मर्डर करवा दिया, उसको वहां जीने नहीं दिया। तो ऐसी पिक्चरों देखना मैं कहता हूं बहुत ही जो है ना गलत हो।